बिल्कुल चुप रहो, पापा का एग्जाम चल रहा भैया। पापा ने तो पन्ने भर दिए बहुत सारे भाई। दिखा तो दो कितने पन्ने भरे हैं। अरे डिस्टर्ब ना करो भाई। अभी अपलोड करोगे इनको? हाँ, ये देखो जरा क्वेश्चन करे हैं। छह में से चार करने हैं, ये देखो चार करने कर लिए चार। अरे भैया इतना इंजीनियरिंग में नहीं लिखा जितना लिख चुका हूँ मैं। लेकिन चार हो गए, आते थे लास्ट लास्ट है आते थे आते थे पापा को भाई फोर से रीजन आए छोटी। डिस्टर्ब ना करो भाई, टाइम खत्म होने वाला है लेकिन आपका। हाँ, हाँ, हाँ। अपलोड करने के बाद फिर ये देने भी है कॉलेज में? कितने पन्ने लिख दिए? कितने हो गए भाई? बहुत पन्ने पेज दिए मेरे को तो लग रहा है कम लिख। बहुत पन्ने पेज में जिंदगी इतना मैंने इंजीनियरिंग में नहीं लिखा हुआ। चलो बोलो जय माता दी। माता दी बोलो। जय माता दी। पास हो जाना भाई। सबमिट कर रहा हूं। शाम के 7 बजे अभी जुरिसप्रूडेंस का एग्जाम हमने कंप्लीट करके निपटा दिया था। 2:30 के आसपास अपलोड भी कर दिया था। अभी उसके बाद सो का खाना खा के अभी उठे रश्मि ने बनाएंगे दूध वाली चाय। एक्चुअली पानी में निधा दूध मिला हुआ है, इसको चाय बोलती है। लगा गजब का ट्रैफिक जाम जो मुझे देखने में बहुत मजा आता है। अगर मैं इस जाम में फंस जाऊँ तो मैं बहुत गाली दूंगा, लेकिन यहाँ से मुझे देखने में इतना मजा आ रहा है, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। अभी लेते थोड़ा सा नहा और नहाने के बाद एक असली चाय बना के इन्जॉय करते। मुझे आज का पेपर देख ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सारे एग्जाम निपट गया, लेकिन अभी मेरे 4 एग्जाम बाकी हैं। मुझे एक्चुअली अभी और दोबारा से आई शुड गेट बैक टू स्टडी। तो आज हम जा रहे हैं अजय देवगन सर से मिलने। मैं और गौरव इस गाड़ी में, रशि और आंटी दूसरी गाड़ी में। तो इनका व्लॉग करने का मंडे कर रहा है क्योंकि कल इनका पेपर है। उनकी राम 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 हो रखी है। इसमें केस था, एक आदमी ने अपनी जमीन बेच दी और उससे 50,000 मॉर्गेज रख के 50,000 रुपये लोन लिया उसने। 26% इंटरेस्ट पर लोन लिया उसने आज से 15-20 साल पहले, और जब 10 साल बाद 6,50,000 हो गया वो। और फिर कोर्ट में गया, वो तो ये हो गया कि उसने जो मॉर्गेज के टर्म्स थे वो गलत थे तो पूरी डीडी कैंसिल हो गई, अदरवाइज देना पड़ता। तो ऐसे ना गरीब लोग बहुत उठा लेते पैसे। मैं जानता हूँ कुछ भी लखनऊ वखनऊ में मेरे को एक दो लोग मिले भाई, बहुत महंगे महंगे इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं लोग यार। जैसे बेटी की शादी करी 50,000 रुपये चाहिए, 20% पे 25% ले लेंगे पैसे। उनको पता होता नहीं है 25% का मतलब क्या है। 5 साल तक चुका नहीं पाएंगे फिर लाखों में देते रहते हैं, वो मर जाते हैं, बोझ में मर जाते हैं। तो कहता हूँ उस 50-60,000 रुपये के लिए जो मॉर्गेज या गिरवी रखते हैं ना, जमीन वमीन अपनी पूरी हड़प लेते हैं। हम लोग पहुंच चुके अभी सन एंड सैंड जूहू में, यहाँ पे एक शूट करेंगे अजय सर के साथ। तेरा बच्चा बम्मा। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू सो मच। तो आपकी ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग की आपने, कैसे ट्रेनिंग की? यार पहले तो स्क्रिप्ट पे काम किया, फिर उसके बाद वी हैड कैप्टन ऑन बोर्ड जो हमने कॉकपिट लगाया था उसके अंदर सारा ओरिजिनल इक्विपमेंट लगाया था। हाउ? जैसे कि सिचुएशन में 35,000 फीट टर्बुलेंस, फिर नीचे आके रेन, दिस दैट, तो वो भी जितना सिचुएशन था वी यूज टू फीड इन इनटू द टू फ्लाई। तो फिर कैप्टन ने 4 दिन हमको ट्रेन किया, बिकॉज हम कंफर्टेबल भी होना बहुत जरूरी है। कौन सा सिस्टम कैसे चल रहा है, विच बटन्स टू प्रेस, वो पकड़ते हैं तो एक ये ऐसे, तो वो सब सीखा फिर। अच्छा, अब सर ऐसे शायद उड़ा लूंगा लेकिन लैंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मतलब जैसे कोई भी जैसे पायलट एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जब तक वो कैप्टन नहीं बने होते उनको हमेशा क्या कहते हैं ऐसा सपने आते हैं यार, काश ऐसा हो कि एक दिन दोनों कैप्टन फेल हो जाएं, उनको मतलब कुछ हो गया कॉकपिट में, क्रू आए, अरे कोई पैसेंजर है जो जहाज उड़ा सकता है, फिर मैं अपना हाथ खड़ा करूं, भाग के जाऊं अगले दिन न्यूज़पेपर में सारा है, बड़ा उड़ा लेंगे अभी अगर इमरजेंसी हो गई, क्रू आई, कोई एनीबॉडी पायलट उड़ा लूंगा, लैंड नहीं कर पाऊंगा। सर जैसे आपने फिल्म में है कि लो विजिबिलिटी थी, आपने बहुत सारी लैंडिंग अटेम्प्ट की, तो हमेशा ना पायलट फटीग एक फैक्टर होता है जो लोग काउंट नहीं करते। सो फर्स्ट लैंडिंग होते फटीग नहीं होते, दूसरी लैंडिंग नहीं हुई प्रेशर, तीसरी लैंडिंग नहीं हुई, तो आप तो 7वीं 8वीं लैंडिंग अगर आप करते हो तो क्या प्रेशर होता होगा आपके ऊपर? बिल्कुल, मतलब काम करते वक्त मुझे लगा कि
कई बार कॉकपिट के अंदर कितने कितने इश्यूज होते हैं और क्या क्या स्ट्रेस होते हैं जो वो पीछे बता नहीं सकते. आई कैन रियली इमेजिन. तो मेरे साथ एक केस हुआ था, लाइक बीच में ना एक सिस्टम की फॉल्ट आ गई थी. तो जो कार्गो डोर होता है ना, वो हमेशा उसकी वार्निंग दे रहा था वो, एंड इट वाज अ फेक वार्निंग. तो बुक्स क्या कहती हैं कि वो जब वार्निंग आए तो रिजेक्ट टेक ऑफ करना है आपको. अब वो वार्निंग आए जाए काफी, हर 15 दिन में एक वार्निंग आ जाए, अब लोग रिजेक्ट मारे जाए. अब रिजेक्ट मारे तो इट इज कॉस्ट टू कंपनी. कंपनी ने सर को निकाला कि नहीं वो फेक वार्निंग है, आप कंटिन्यू करो. एक बार वो रियल वार्निंग आ गई. हाँ, तो वही ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पायलट के सर पे तलवार हमेशा अटकी रहती है. इधर करेंगे तो सेफ्टी, इधर करेंगे तो कॉस्ट टू कंपनी, इधर जाएंगे तो पैसेंजर, इधर पीछे जाएंगे तो मतलब तो अब आप जब फ्लाई करोगे नेक्स्ट टाइम तो आपको मतलब क्या पर्सपेक्टिव में चेंज रहेगा? अभी तो आप एज अ पैसेंजर फ्लाई करते थे, आपने पायलट भी की लाइफ भी जी ली. तो ये जो चीज़ें आपने बताई ना, ये सब फिल्म में है ये प्रेशर फ्रॉम द कंपनी और बाकी सारी चीज़ें, ये सारा कुछ फिल्म में है. जब आई डोंट नो, बट ये होगा कि ज़रूर आगे एक कैप्टन है जो पता नहीं इसको क्या सोच रहा होगा. एक उससे पहले एक चीज़ हुआ था मूवी में, एक और सीन है कि आप इंक्वायरी बोर्ड के सामने जाते हैं, अपने केस को एक्सप्लेन करते हैं. तो मतलब यूजली ऐसे एविएशन में बोलते हैं कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए एंड पायलट इज नो मोर, ब्लेम इट ऑन द पायलट. वो तो मेरी फिल्म का डायलॉग है. अच्छा, डायलॉग है ये फिल्म में? डायलॉग है. वेरी नाइस. अगर पायलट बच गया तो पायलट को ब्लेम डाल दो, और अगर मर गया तो पायलट को ब्लेम तो करना है ही. तो करना है ही. तो सर मेरी हमारी रियल लाइफ में भी, इससे मैं भी पायलट हूँ, मेरी वाइफ भी पायलट है, मैं रियल लाइफ में भी हुआ था एक बार 2020 में, जस्ट कोविड के पहले. तो आई टुक अ कॉज क्योंकि ऐसे ही कुछ सेफ्टी के इश्यूज थे. तो मैंने कहा कि यार ये इश्यूज ना सेफ्टी को हैम्पर करते हैं, बट हाँ अगर आप सेफ्टी बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ता है कहीं ना कहीं. तो इट्स अ वेरी फाइन कॉम्प्रोमाइज. तो वो केस मैंने लिया एंड देन आई स्टूड अप फॉर दैट. अभी उसमें लिटिगेशन में ही है वो केस, तो अभी भी उसमें इंक्वायरी बैठी, ये हुआ. बट देन आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. पायलट अपने आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, वो ऐसा बीच का वो हंसता ना बंदा, उसको सब लोग आके मारते हैं, लात मारते ही मारते हैं. जैसे लो विजिबिलिटी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. मैं कैलकटा से दिल्ली आ रहा था, कैट 3 ब्रावो कंडीशंस दिल्ली में, हमें तो पता हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. तो मैं जहाज उतार दिया. तो वैसे अगर कुछ ना हो जहाज में ना, तो आई एम टेलिंग यू सो पीपल ऑल्सो, अगर जहाज में कुछ ना हो, सब नॉर्मल जा रहा हो, ठीक है सब कुछ, आप बैठे रहेंगे, सिस्टम ऑटो पायलट काम करता रहेगा. लेकिन एक घंटी बजी ना टिंग, तो पायलट की सारी घंटियाँ बज जाती है उस तरह. क्योंकि घंटी नीचे ही बजती है, हेड ऑफिस में बजती है, और एक सिस्टम होता है सर जो इंजन को स्टार्ट होना, तो फ्रांस में एयरबस में बजती है घंटी. तो हम लोग उतार दिए जहाज, हमने जीरो विजिबिलिटी में जहाज उतार दिया. सर आई कुड हियर पीपल क्लैपिंग पीछे, फिर मैं खड़ा हूँ गुड डोर पे सी ऑफ करने पैसेंजर्स को, और ये सर क्या लैंडिंग की, क्या लैंडिंग की. मुझे अंदर लगा था हमने क्या ही किया, मतलब एवरीथिंग वाज फाइन. तो ठीक है, लेकिन फ्लाइंग में मोर देन फ्लाइंग इट इज अ डिसीजन मेकिंग. या आई नो एंड स्पॉन्टेनियस डिसीजन. हाँ, यू डोंट हैव टाइम. हाँ, टाइम नहीं सर. अगर आप बोलोगे ना किसी ऑफिस में कोई आपदा आ गई या फिर एक आपका यार लॉस हो गया, यू हैव टाइम, यू हैव बुक्स, यू हैव पीपल टू कंसल्ट. कॉकपिट में सारे डायलॉग फिल्म में पता है देखो सारे. हाँ, मेरा एक डायलॉग है कि उस रोज हमने 314 डिसीजन लिए थे, उसमें से एक भी गलत हो जाता तो आज हम यहाँ नहीं होते. वो तो ना चीज केक फिलॉसफी, एक्सीडेंट होता है व्हेन ऑल द होल्स अलाइन ऑन दैट डे. आई आल्सो से कि बहुत आसान है एक एसी कमरे में बैठ के डिसाइड करना, लेकिन आप जब वहाँ डिसीजन लेते हो, क्योंकि अगर आपका डिसीजन यहाँ रॉन्ग भी हो जाए तो कोई मरेगा नहीं. हाँ, एक भी डिसीजन रॉन्ग हो जाए तो. एक और चीज बोलते हैं, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग First officer looks to his left. He finds the captain. When something goes wrong with captain, he looks to the left. On the mirror, he sees himself. Yeah. So it's him only. He is him only. Fun questions आपके लिए. तो आपको जो मन में पहली चीज़ आए वो बताना. Can a pilot sleep during flight? Can a pilot sleep? हाँ. He is not supposed to sleep. Na? But on long flights, I think there is something. क्या बात है सर को पता है एक regulation है, but on long flights there's a regulation कि 30 minutes की nap ले सकता है. ठीक है. मुझे नहीं पता सर कि बता पाएंगे. अच्छा, जब दो पायलट हैं, एक को सुसु करने जाना बाहर, तो एक कैबिन क्रू आके अंदर खड़ी हो जाती है. क्यों खड़ी होती है वो? क्योंकि एनी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ हो जाए तो शी कैन कॉल द कैप्टन. क्या बात है. दो पायलट को बाहर आने की जरूरत नहीं. हाँ, लेकिन सर कभी कभी जब कैप्टन बाहर जाता है ना तो जल्दी वापस आता है, लेकिन जब को पायलट बाहर आता है बोलता भाई आराम से आइयो. अच्छा, कॉकपिट में दो तो सीट हो गई, वैसे कितनी सीट होती, कितने मैक्सिमम लोग फ्लाई कर सकते? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है. आई थिंक तीन होती है. हाँ, लेकिन मैक्सिमम चार हो सकती है, कभी कभी तीन भी होती है. मैंने तीन देखी है. हाँ, वो एक सीट का वेट सेव करने के लिए निकलवा देती है. वरना दो वो इसलिए होती है, पायलट के पीछे होती है. हाँ, वो इसलिए होती है सर क्योंकि ना रूल होता है कि पायलट कैन यूज दैट जंप सीट फॉर द पर्सनल ट्रैवल. ओके, तो कंपनियों को खुन्नस आ गई, ये साले फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं, सीट निकलवा दी.
एक और आखिरी क्वेश्चन सर, कार्ड क्यों लगाते हैं? हाँ, जो जैसे सर जब कैबिन क्रू अंदर आती है तो बाहर एक कैबिन क्रू जो कार्ट लगा देती है ताकि पैसेंजर्स ना आ सके, वो क्यों लगाते हैं? बता ही दिया, पैसेंजर ना सके। क्या क्वेश्चन था? लास्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा काम बताइए जो सिर्फ, मतलब वैसे तो सर दोनों फ्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट में भी सेम कंट्रोल है, राइट में भी सेम कंट्रोल है, लेकिन कॉकपिट में होते हुए एक ऐसा काम बताइए जो सिर्फ कैप्टन कर सकता है और फर्स्ट ऑफिसर नहीं कर सकता। आप हारी भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं हारी या नहीं आता, सोच लीजिए। हाँ, क्रू के साथ फ्लर्ट सर, वो कैप्टन के होते हुए सिर्फ कैप्टन नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफिसर नहीं कर सकता। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ये मूवी हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, जैसे 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 हम बात करते हैं, आप डायलॉग भी, डायलॉग भी तुम लोग आए, वाह यार, मतलब बट थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम लोग अभी यहाँ स्टारबक्स थोड़ा रिलैक्स करने, स्टारबक्स में ऑफर चल रहा है कि 190 रुपये की सारी ड्रिंक है, लेकिन सिर्फ 23 और 24 को अभी निकल लेते हैं, 23 को आते हैं। छोड़ यार, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ गाइस। जब मैं स्कूल में था ना, तो दिल्ली में भी सीसीडी में लोग पढ़ते थे, लड़का लड़की आगे पढ़ते थे, मैं सोचा यार सीसीडी में पढ़ाई कैसे होती, मुझे भी करनी है। तो आज वो दिन आ चुका है कि मैं स्टारबक्स में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। आई यूज़ टू एनवी दोज़ पीपल जो 200 रुपये की कॉफ़ी लेके 4-4 घंटा बैठे होते हैं लैपटॉप में, कर रहे हैं काम 4-4 घंटा। मैंने आज पूरे बॉलीवुड की पोल खोल दी, पता है कैसे? देखो बॉलीवुड में क्या बोलते हैं भाई, लड़की की ना में ही हाँ है, लड़की शर्मा गई तो मतलब रेडी है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए बोलते हैं ना। यहाँ क्या लिखा है देखो, देयरफॉर मियर साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस। लॉ कहता नहीं भाई, अगर वो साइलेंट है तो उसकी ना में हाँ नहीं है, चूंकि पापा की तो आज खूब पढ़ाई हो गई 2 घंटे, यहाँ अच्छी पढ़ाई बेटा यहाँ पे, इसलिए मैं आप समझा कि लोग स्टारबक्स पाके पढ़ाई क्यों करते हैं, एक कॉफी दे देंगे 200 रुपये का पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी बैठती है भाई स्टारबक्स में। लेकिन स्टारबक्स से केस याद आया, ऐसे अभी एक मैं वेंटी कॉफ़ी लूँ कुछ लूँ 400 रुपए की अच्छी वाली, एक बंदे ने क्या किया, स्टारबक्स आ गया वो, उसको लगा 400 रुपए की है, उसने ऐप खोली फूड ऑर्डरिंग ऐप, कूपन ऊपन होता है ना उसमें, उससे उसको 200 रुपए की मिली, उसने ऑर्डर किया, वहाँ पे बंदा आ गया था भैया मेरा ये लाओ। सही नहीं है ये चीज़, न्यूज़पेपर में आई थी, एक बंदा था तो उसने पराठे ऑर्डर किए, खड़ा हुआ था तो आया, फिर जोमेटो वाला आया, पराठे की दुकान, कहता भैया मेरा ही ऑर्डर है ये, इसको डिलीवर करने आना ना घर, कहता हाँ भैया, कहता चलो, उसके साथ में चला गया, उसके पैसे बच गए ऊबर के। स्कूटर में बैठ के चला गया, अच्छा तरीका है सुनो। वो अपने पुद्दू के जान पे अपना सर पे पुद्दू डाल दिया। बाय मैम।